नमस्कार। आने वाला विक्रम संवत 2078 और 2022 का साल आप सबके लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप सबको हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 चाहे आपका कैसा भी गया हो, लेकिन 2022 उससे भी अच्छा हो, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले इस प्रेडिक्शन के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, ये लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर शनि, गुरु और राहु, इसके साथ साथ कौन कौन से मंथ आपको ज़्यादा टेक केयर करना है वो भी आपको बताएंगे। और ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि आधारित है, और यदि आपके जन्म के सूर्य भी मकर राशि के अंदर है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 14 जनवरी से लेकर 12-13 फरवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मकर राशि में है, तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। और दोनों सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो ये प्रेडिक्शन आपको ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह, लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में। और शनि जो कि आपकी राशि के भी मालिक हैं, तो शनि का भ्रमण मकर राशि के अंदर है वर्ष की शुरुआत के अंदर, और जो ये शनि है वो आपकी मनस्थिति को मजबूत करने वाले हैं। शनि ग्रह 2 महीना और अप्रोक्सीमेटली 14 दिन के लिए चलेंगे कुंभ राशि के अंदर। ये जो पीरियड रहेगा 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई, ये समय में जो शनि है ये चलेंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि आपके धनस्थान के अंदर। तो कुटुंब स्थान के अंदर, धनस्थान के अंदर जो शनि है, ये पारिवारिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो लेवल है ये आपका मजबूत करने वाले हैं। वंस अगेन शनि बदल कर जो 29 अप्रैल 2022 से चलेंगे कुंभ राशि के अंदर, वो फिर से 12 जुलाई 2022 को चलेंगे आपकी राशि के अंदर, और साल के अंत तक रहेंगे आपकी राशि के अंदर ही। तो आपकी राशि के अंदर और धनस्थान के अंदर जो ये शनि का ट्रांजिट है, आपकी राशि से धनस्थान के अंदर और धनस्थान से वापस आपकी राशि के अंदर, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मैटर को कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं। पारिवारिक स्टेटस आपका चेंज करने वाले हैं, फैमिली में खुशियां बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दोनों राशि जो है आपकी खुद की राशि है, शनि की राशि है, तो अपने घर को भला कोई बुरा कुछ कैसे करेगा। तो कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, ये डर मन से निकाल दीजिए। परिवार में खुशियाँ बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, फाइनेंशियल लेवल बढ़ेगा, और वैसे भी आपकी राशि जो है वो 10 नंबर की राशि है, कर्म क्षेत्र की राशि है। आप खुद कर्म के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और कर्म क्षेत्र को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। शनि के बाद बात करेंगे अब शनि के अति मित्र ग्रह जो हैं वो गुरु ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो गुरु ग्रह जो 20 नवंबर 2021 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मकर राशि में चल रहे हैं, ये चलेंगे कुंभ राशि के अंदर, और यहाँ पर शनि का जो भ्रमण होगा वो अप्रोक्सीमेटली 13 अप्रैल 2022 तक होगा। अब धनस्थान के अंदर जो शनि का गुरु का जो भ्रमण होगा 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावाति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठते हैं इस भाव को गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करते हैं। तो परिवार को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ ना कुछ दुविधा, टेंशन और स्ट्रेस महसूस करेंगे, लेकिन इतना भी टेंशन वाला नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भार तो रहेगा। हालांकि जो गुरु की दृष्टि है ये आपके लिए बहुत शुभ है, रोग क्षेत्रों पर आपको विजय देने वाली है, आपके आयुष्य बल में वृद्धि करने वाली है, आपको अपने इन लॉस से बेनिफिट करने वाली है, आपके बिजनेस और करियर के अंदर ये प्रोग्रेस करवाने वाली है। 13 अप्रैल 2022 को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, यानी कि आपकी भुजाओं के ऊपर, आपके साहस भुवन के अंदर। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है
ये चलेगा 13 अप्रैल 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 साल और 1 सप्ताह, 1 वीक एंड 1 ईयर गुरु चलेंगे मीन राशि के अंदर, पराक्रम भुवन के अंदर, साहस भुवन के अंदर। एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं साहस भुवन के अंदर। अविवाहित जातकों का विवाह का योग क्रिएट करेंगे, एंगेजमेंट मैरिज इत्यादि हो सकता है। भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे और बिजनेस करियर के अंदर जो कुछ भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट यानी कि लाभ आपको देने वाले बनेंगे। तो गुरु ग्रह का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है। और बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में, तो राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु जो कि अभी पंचम स्थान में चल रहे हैं, ये राशि परिवर्तन करते हैं 12 अप्रैल 2022 को। अब पंचम स्थान के जो राहु अभी चल रहे हैं, ये थोड़ा सा स्टडी करने वाले, पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने वाले होंगे, और मित्रों के साथ भी आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा और संतान रिलेटेड भी आपको थोड़ा टेक केयर ज़्यादा करना होगा। राहु बदलने के बाद 12 अप्रैल 2022 को राहु चलेंगे आपके चौथे स्थान के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका मकान कुछ चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य बनने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से कुछ चेंजेस हो सकता है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के अंदर। रहने की जगह चेंज हो सकती है, बिजनेस की प्लेस चेंज हो सकती है, और या तो जॉब के अंदर कुछ चेंजेस आ सकता है। राहु केतु का जो ट्रांजिट है चौथे और दसवें स्थान के अंदर चलने वाले ग्रहों का, जो राहु और केतु का जो एक्सिस है, ये आपके मकान वाहन प्रॉपर्टी और जॉब करियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अच्छा चेंज लेके आने वाले हैं। तो कौन कौन से मंथ आपको ज़्यादा टेक केयर करना है, एक तो आपको करना है 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, जिसमें सूर्य चलेंगे धनु राशि के अंदर, और ये जो ट्रांजिट है ये आपको हर साल ध्यान में रखना है, नॉट ओनली इन दिस ईयर बट एवरी ईयर। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी ये 2021 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी जिसमें जो सूर्य चलेंगे धनु राशि के अंदर, तो ये चलते हैं आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर। इसमें आपको कोई गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में, रिलेशन में फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, ये सब सेक्टर के अंदर केयर करना होगा। वंस अगेन आपको मंथ केयर करना होगा 14 अप्रैल से 14 मई जिसमें सूर्य चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, और ये ट्रांजिट जो है वो राहु के साथ होगी, क्योंकि 12 अप्रैल को ऑलरेडी राहु आपकी राशि से चौथे स्थान में भ्रमण शुरू कर चुके होंगे। तो उस समय के दरमियान खास करके जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। रिलेशनशिप में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ भी केयर करना होगा। विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा, और ये समय के दरमियान खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। 14 जो समय रहेगा 14 अप्रैल से लेकर 14 मई मेष के सूर्य राशि से चौथे स्थान के सूर्य, तो वंस अगेन आपको मंथ टेक केयर करना होगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर जिसमें सूर्य चलेंगे सिंह राशि के अंदर, 8वें स्थान के सूर्य में भी आपको पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ न कुछ स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर और आपके रिलेशन में फादर और इन लॉज के साथ भी केयर करना है। तो आप अपने मकर राशि वाले कोई मित्र हैं या जिनका भी जन्म हुआ है 14 जनवरी से लेकर 12-13 फरवरी तक, ये जातकों को भी आप ये प्रेडिक्शन जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार, जय श्री द्वारकाधीश।